बढ़िया है। तो हम लोग देख रहे हैं अपनी जगह एंड भाई गाड़ी तुम्हारा भाई चला रहा है। तो अपन ये समझ लो प्राइवेट बोट करके जा रहे हैं। स्नॉर्कलिंग हो चुकी है एंड एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस आज है डे 3 और हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड जाने के लिए हमें जाना है बाली हाई पीर एंड उसके लिए हमने गाड़ी कर ली है बुक क्रैब से। एंड उसके अलावा हम अभी भी क्या मतलब वहाँ पे ले आने के लिए कपड़े भी उठा लिए हैं एंड अंदर भाई को भेज दिया है बॉटल लेने। तो पानी की बॉटल आप यहाँ से लेके जाइए, वहाँ पे भी है 7-Eleven, पर जो रास्ते का सफ़र है वो अराउंड 45 मिनट का है। तो आपको रास्ते में बहुत प्यास लगेगी, तो कोल्ड ड्रिंक्स पानी जो भी आपको प्रेफरेबल ड्रिंक हो वो ज़रूर लेके जाएं। एंड अब गाड़ी आ रही है एंड फिर वहाँ पर जाएंगे एंड फेरी से जाएंगे वहाँ तक। एंड इसके अलावा जो है मतलब आप बहुत सारे पैकेजेस भी डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। तो मैं पैकेजेस तो हमने अभी नहीं लिए हैं, हम वहीं जाके देखेंगे जो एक्टिविटी हमें करनी होगी वहाँ पे ही बार्गेन वगैरह करके वहाँ करेंगे। बाकी अभी करते हैं गाड़ी का वेट एंड फिर चलते हैं एंड फिर वहाँ पर दिखाएंगे आपको। सो गाइज अभी हमारी इनोवा आ चुकी है, इसी इनोवा में हम जा रहे हैं बैठ के एंड अब आगे का सफ़र दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल अपनी इनोवा आ चुकी है एंड चलते हैं इसमें। तो गाइस यहाँ पे क्रैब बुक करने का एक और फ़ायदा है कि गाड़ियाँ जो है काफ़ी अच्छी आती हैं, महंगी महंगी, मतलब आप इंडिया में मतलब इन सब गाड़ियों मतलब इसमें टैक्सी में तो नहीं चलती हैं, मतलब चलती हैं पर इतनी चीप नहीं मिलती हैं। मतलब हम कंपेयर करें तो हम अगर अभी बाइक टैक्सी से जाते तो मिनिमम 50 बात तो वही ले लेती है एंड ये 107 रुपये में हमें पूरी इनोवा पड़ गई है जिसमें हम लोग 3 जने आराम से बैठ के जा रहे हैं। सो गाइस अब जा रहे हैं सीधा बाली हाई बीर कोरल आइलैंड की फेरी लेने, तो मिलते हैं आपको सीधा फेरी पर। तो गाइज़ बाली हाई पियर पे पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं फेरी की टिकट लेने जो कि मिले अंदर से। जहां तक कि यहां पे एक बड़ी बिल्डिंग है यहीं से मिलेगी टिकट एंड यहां पे इस टाइप के बहुत सारे आपको है ना ब्रोकर मिलेंगे जो कि आपको ऑफ़र देंगे भैया मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ आने जाने ले जाने का। तो ऐसा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब अकलमंदी से काम लेना है, किसी की बातों में नहीं आना है, हर किसी से रेट पूछिए अगर आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी है एंड नहीं तो सबसे सस्ता तरीके से जो हम लोग जाने वाले हैं वो है यहाँ पर फेरी। जो फेरी जो है यहाँ पे मिलेगी। अब हम जा रहे हैं टिकट खरीदने एंड फिर आपको आगे का समझाते हैं। सो गाइज ये बिल्डिंग एंटर करने से पहले इन लोगों ने मास्क पहनवा दिए हैं, मास्क यहाँ पे मैंडेटरी कर दिए हैं इस मतलब बिल्डिंग के बाद। एंड टिकट जो है आगे मिलेगी, तो देखते हैं कहाँ से मिल रही है टिकट एंड फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ से खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 10-15 मिनट से ही ढूंढ रहे थे कि टिकट कहाँ से लेनी है। तो दिखाते हैं आपको आगे से कि टिकट कहाँ मिलेगी। एंड गाइज जब तक टिकट काउंटर तक हम पहुँचे आपको हम यहाँ पर एक बार नज़ारे दिखा दें पूरे। देखिए बहुत ही सुंदर है ये लिखा हुआ है जिसके साथ ज़्यादातर लोगों की फ़ोटो रहती है, पताया सिटी। ये एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, एक बार आप लोगों को जूम करके भी दिखाएं ये देखिए। एंड यहाँ पे बहुत सारी स्पीड बोट्स भी हैं पर सबके अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग चार्जेस हैं। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है, बहुत ही अमेजिंग वाइब है यहाँ की। यहाँ पे ये आंटी खड़ी है बस बोट के बाहर और यहाँ पे सीधा आपको बिना टिकट के बिठा देंगे बस बोट में एंड पहुँच जाएंगे सीधा कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड जाने के लिए सीधा यही सिस्टम है, सीधा यहाँ पे आइए बोट पे बैठिए एंड जाइए, कोई टिकट का चक्कर नहीं, तुरंत पैसे दीजिए और बैठिए। तो गाइज ऊपर यहाँ पे हमने ऊपर बैठने का प्लान बनाया है, हम लोग ऊपर डेक पे आ गए हैं एंड डेक पे बैठ के फेरी एंजॉय करेंगे। यहाँ पे ऐसे हैं लाइफ जैकेट्स भी रखे हुए हैं जहाँ जिसको जाना है बैठ। तो हम लोग देख रहे हैं अपने लिए जगह एंड अब चलेंगे कोरल आइलैंड एंजॉय करते हुए। तक फेरी चले तो हम लोग यहाँ पे बोट में घूम रहे हैं, यहाँ ऊपर बैठने के लिए हमारे लिए जगह है तो हम ऊपर बैठेंगे एंड फिलहाल जब तक फेरी चला यहाँ पे नीचे खड़े होकर थोड़ी फोटोज़ वगैरह क्लिक करें, रील बनाएं। तो ये जो है का नज़ारा है, फेरी में बैठ गए हैं, बस 10-15 मिनट में निकलेगी ये, एक तो निकल गई है, एक तो सॉरी खाली है, तो ये हटेगी शायद, अब हमारी भी निकलने ही वाली है फेरी। तो ये मेरे को लग रहा है सफ़र तो बहुत अच्छा होने वाला है एंड यहाँ पर थोड़ा सा अनसेफ भी है क्योंकि अभी मैं यहाँ बहुत पास, ये ओपन है यहाँ से पूरी ऐसे, थोड़ा सा तो रिस्की है यहाँ पे बैठना, बाकी हम लोग तो भी ऊपर जाके आराम से बैठ जाएंगे। तो
इससे आगे और ज़्यादा नहीं बैठ सकता था क्योंकि फेरी बहुत ज़्यादा हिल रही है एंड आगे खड़े होना काफ़ी रिस्की है। इस मैं एकदम फ्रंट में आके बैठ गया हूँ एंड इस तरह का कुछ माहौल है। ये देखिए पहुँच चुके हैं कोरल आइलैंड पे एंड मैं अभी बाहर वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के उतरने का, क्योंकि मैं आगे एकदम बैठा था तो जल्दी एकदम से उतर गए। ये लोग पीछे फंसे हुए हैं, ये देखिए ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं एंड मैं जो है पहले उतर कर खड़ा हो गया, वेट कर रहा हूँ। अब क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं एंड अब जो है देखते हैं, थोड़ा चलते हैं वाटर एक्टिविटीज़ की तरफ एंड इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ हमने आके करी है वो खाई है कोकोनट आइसक्रीम, यहाँ की बहुत फेमस है, आप लोग अगर आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड इसके बाद अब बाइक राइड करेंगे एंड फिर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे दो तीन बीचेस, एटलीस्ट दो बीचेस का तो हमारा टारगेट रखा है। फिलहाल ये आइसक्रीम इन्जॉय करते हैं एंड मिलते हैं आपसे। अब यहाँ पर हम लोग जो है बाइक जो है रेंट कर रहे हैं एंड 200 बात में ये मतलब 6 बजे तक ले रहे हैं एंड ये टंकी जो है फुल करके दे रहे हैं एंड इसका वीडियो हम लोग बनाएंगे पूरा तरीके से एंड फिर इनको वापस दे जाएंगे शाम को 6 बजे से पहले तक। तो रेंट करते हैं एंड आगे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। हाउ मच फॉर दिस? 300 बात। 300 नहीं 200 बात सर, 200 200 बात यूट्यूबर। अच्छा मेरे को 200 बात बोल रहा है। अच्छा चले चले चले। एक मिनट भैया, ये थोड़ी बहुत इसको है ना हिंदी शब्द आते तो हमको बोल रहा था 200 बात दे। मिलते हैं आगे, ये कर ली हमने रेंट या ओके बाय बाय। चलो भाई इससे ले ली अपन ने गाड़ी, हाँ इससे गाड़ी ले ली अपन ने और अब निकल चुके हैं लेकर। और 200 बात बोल रहा था हिंदी के थोड़े बहुत शब्द आ रहे थे, बोल रहे हाँ ठीक है चलो जाओ ऐसे बोल रहा था भैया, मतलब अच्छा आदमी था, भला आदमी था। तो अब चलते हैं आगे बीच पे एंड आपको वहाँ पे नज़ारा दिखाते हैं। पहला बीच जो है जिस पे हम आए एकदम शांत बीच है, बहुत सारे यहाँ पे फॉरेनर्स ही हैं, इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े बहुत थाई लोग हैं बट ज़्यादातर जो है अंग्रेज़ी हैं, फॉरेनर है ऑस्ट्रेलियन और ये सब उस तरफ। तो अब थोड़ी देर हम लोग ऐसे यहाँ पे चिल करेंगे एंड फिर दूसरे बीच जाएंगे एंड देखेंगे वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ का क्या सीन है। बाकी यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ का बहुत ही मतलब ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है, है ही नहीं मतलब ना के बराबर क्या, बस यहाँ पे फिरंगी लोग हैं बहुत सारे और यहाँ पे चिल करने सनबात करने आए हैं। बाकी अब देखते हैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर अगले नेक्स्ट बीच पे चलेंगे। चुके हैं हम अपने सेकंड बीच पे एंड यहाँ पे पूरी मतलब वाटर एक्टिविटीज़ सब हो रही हैं एंड भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए पीछे पूरी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, भीड़ भी है यहाँ पे, आराम से आप यहाँ पे सनबात भी ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ के बियर पी सकते हैं एंड ये मतलब काफ़ी खिलखिलाता बीच है एंड मतलब सब है, कुत्ते भी हैं इवन, और ये तो इंडियन लग रहा है कुत्ता एंड यहाँ पे भीड़ अच्छी है गाइस, एकदम चहल पहल बहुत तगड़ी है। तो अब आपको आगे ले चलते हैं दिखाते हैं और नज़ारे। जा रहे हैं हम लोग बनाना राइड करने, तीनों भाई हो गए हैं लाइफ जैकेट पहन के तैयार एंड ये भाई अपन को लेके जा रहे हैं। देखो ये भाई है अपन को लेके जा रहे हैं। हम वांखियो ओके उधर देख ले बोल बाबा।
अकेले भाई है, ये देखो अपने भाई इधर, ये अपना भाई, ये भी अपना भाई है तो चला ही रहा है। तो अपन ये समझ लो प्राइवेट बोट करके जा रहे हैं, अपन कर आएंगे स्नॉर्कलिंग करते हैं, फिर एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्रिपरेशन चालू है, ये लोग अभी लाइफ जैकेट पहना रहे हैं, इन्हें अभी ये चश्मे और ये दे दिया है किट, एंड अब इसके बाद अब स्नॉर्कलिंग करेंगे। मतलब इन लोगों ने अभी बोट चेंज करवा दी है, जिस बोट में हम थे उससे उतरवा दिया, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले भी स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, एंड अब हम लोगों की बारी जाना है स्नॉर्कलिंग करने। ओके, मिलते हैं स्नॉर्कलिंग के बाद। बहुत ही गजब का था भाइयों, क्या कहना तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में? एक नंबर, पैसा वसूल बोल रहे हैं भाई लोग, पैसा वसूल है, और आप लोग आओ तो जरूर करना। हालांकि मुंह और गले में बहुत ज्यादा नमक जा रहा है, उसकी थोड़ी तकलीफ है, बाकी सब बढ़िया है। ओके, मिलते हैं अगले स्टॉप पे, मतलब अगले स्टॉप पे क्या, आप जाएंगे वापस बीच पे एंड फिर एक्सप्लोर करते हैं एक आध कोई आइलैंड, नहीं तो फिर वापस जाने का टाइम हो जाएगा फेरी का, तो आपको हम मिलेंगे सीधा होटल में या फिर आइलैंड पे। ओके बाय बाय। सो गाइस, रूम बहुत मतलब रूम पहुंच चुके हैं वापस, एंड सुबह का नाश्ते का भी इंतज़ाम कर लिया है। मतलब ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो है, मैंने फ़िलहाल जो है ये कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं और दूध भी ले लिया है, एंड उसी के बाद पानी की बॉटलें तो अपन ने बीच में होलसेल में ले ली थी, 7-Eleven से नहीं, बीच में एक होलसेल वाला पड़ा था तो उससे काफ़ी इफेक्टिव डील मिल गई। मतलब 45 बाथ में हमको 12 बॉटल्स मिल गई, एंड ये रिटेल में हम नौ बाथ की एक ले रहे थे। तो मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आपको सब कुछ जो है काफ़ी सस्ते में पड़ जाएगा। एंड अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलेंगे आपको कल, एंड इसी के साथ अब ये मेरे का व्यू है, पूरा शाम मतलब रात हो चुकी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नहीं, अपने तरीके से करते हैं, आंटी वंटी शंटी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बजा दीजिए बेल आइकन की घंटी। मिलते हैं अगले वीडियो में।